अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको मेरे लेटेस्ट और न्यू वीडियोस देखने हैं तो प्रेस बेल आइकन। व्हाट्सएप दुनिया भर में मौजूद सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एप्स में से एक है। लगभग सभी उम्र के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब तक यूजर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट, फोटोज, वीडियो, संदेश भेजने के साथ ही वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे, लेकिन जल्द ही यूजर व्हाट्सएप पर ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। एक रिपोर्ट में जानकारी दी है कि कंपनी ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर की टेस्टिंग कर रही है। यह फीचर सबसे पहले एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और उसके बाद इसे iOS प्लेटफॉर्म के लिए जारी किया जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल 4 लोग एक साथ ग्रुप वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। यह फीचर्स व्हाट्सएप के बीटा वर्जन 2.17.437 और 2.17.443 अपडेट में देखे गए हैं। ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर के अलावा व्हाट्सएप जल्द ही स्टिकर्स भी यूजर्स के लिए पेश करेगा, जैसा कि फेसबुक मैसेंजर ऐप में होता है। व्हाट्सएप दुनिया भर में मौजूद सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एप्स में से एक है। लगभग सभी उम्र के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब तक यूजर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट, फोटोज, वीडियो, संदेश भेजने के साथ ही वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे, लेकिन जल्द ही यूजर व्हाट्सएप पर ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। एक रिपोर्ट में जानकारी दी है कि कंपनी ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर की टेस्टिंग कर रही है। यह फीचर सबसे पहले एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और उसके बाद इसे iOS प्लेटफॉर्म के लिए जारी किया जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल 4 लोग एक साथ ग्रुप वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। यह फीचर्स व्हाट्सएप के बीटा वर्जन 2.17.437 और 2.17.443 अपडेट में देखे गए हैं। ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर के अलावा व्हाट्सएप जल्द ही स्टिकर्स भी यूजर्स के लिए पेश करेगा, जैसा कि फेसबुक मैसेंजर ऐप में होता है।